प्लांट अब्सॉर्ब करता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी हेल्प से वो करता है फोटोसिंथेसिस। हम ये देखते हैं कि जो पानी अब्सॉर्ब करता है हमारा प्लांट वो करता है विद द हेल्प ऑफ रूट्स। नाउ जैसे ही ये खाना तैयार हो जाता है हमारी लीव से, जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो हमारी लीव से बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये हमारा प्लांट है, हम देखेंगे कि हमारी लीफ है। यहाँ पे जब खाना तैयार हो जाता है तो जो एक्सेस ऑफ वाटर है जैसे कि मैंने कहा वो लीफ से बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, अब ये जो पानी बाहर निकला है लीफ के इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दिस एंटायर प्रोसेस इज व्हाट यू कॉल ट्रांसपिरेशन। सो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? हम यहाँ बोलेंगे कि ट्रांसपिरेशन का मतलब है द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। यूजुअली हम ये देखते हैं कि जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है लीफ के पास वो ही बाहर निकलता है। बट इमेजिन करिए अगर ये पानी यहाँ से बाहर निकलता जा रहा है, ठीक है, और रूट इतना पानी अब्सॉर्ब नहीं कर पाते, तब क्या होगा? इस केस में प्लांट जो है वो मुरझा जाएगा और इस कंडीशन को हम कहते हैं विल्टिंग। विल्टिंग यानी जब हमारी लीव्स नीचे की तरफ ड्रूप कर जाती हैं और प्लांट मुरझा जाता है। तो बेसिकली हम यहाँ ये देख रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन जो है वो हो रहा है, बट वो एक ईविल है हमारे प्लांट के लिए। उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसे होना क्यों ज़रूरी है? वेल, हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, ये ट्रांसपिरेशन एक फोर्स या एक सक्शन कॉज करता है जिसकी वजह से जो पानी है वो रूट से ऊपर आता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन होता है हमारी लीफ से वाटर बाहर जाता जाता है और वैसे ही रूट से पानी ऊपर आता जाता है। ठीक है, इसीलिए ट्रांसपिरेशन रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जैसे हमें पसीना आता है हमारी बॉडी को कूल रखने के लिए, सिमिलरली जो प्लांट्स होते हैं वो पानी अपने बॉडी से बाहर फेंकते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर बेसिकली, सो दैट दे कैन रिमेन कूल इन ड्राई कंडीशंस। ये हो गई पहली चीज। तो यहाँ पे अभी हमने क्या देखा है, हमने देखा कि हम ट्रांसपिरेशन को एक नेसेसरी ईविल कह सकते हैं। ईविल इसलिए क्योंकि वो प्लांट से पानी बाहर फेंक रहा है, और नेसेसरी इसलिए क्योंकि वो ही रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली इस पानी के इतने ऊपर ऊपर हाइट तक लेके जाने के लिए। अब अगला सवाल ये है कि लीफ में ये प्रोसेस होती कैसे है। वेल, हम यहाँ ये देखते हैं कि जो लीफ होती है उसके नीचे वाले सरफेस पे अक्सर पाए जाते हैं कुछ होल्स जिन्हें हमने कहा है स्टोमेटा। ये वही स्टोमेटा है जिनकी हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर आता है। तो आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। जब हम स्टोमेटा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एक पोर है जिसे दो सेल्स ने, जो कि किडनी की तरह दिखाई देते हैं, उन्होंने इसे गार्ड कर रखा है। ठीक है, और क्योंकि ये इसे गार्ड कर रहे हैं इसका नाम हमने दिया है गार्ड सेल्स, और इनके बीच में प्रेजेंट होता है एक छोटा सा ये पोर जिसे हम बोलेंगे यहां पे स्टोमा, और इन दोनों को मिला के हम कहते हैं यहां पे स्टोमेटल अपैरेटस। ये हमारा स्टोमेटल अपैरेटस। ठीक है, तो अभी क्या होता है, हम यहां देखते हैं कि जब ये ओपन होता है और ये क्लोज होता है, तो दोपहर के टाइम पे जो हमारा स्टोमेटा है वो ओपन होता है तो ट्रांसपिरेशन का रेट हाई होता है, रात के टाइम पे हमारा स्टोमेटा क्लोज होता है तो ट्रांसपिरेशन का रेट लोअर होता है। अब तक मैंने आपको बताया कि ट्रांसपिरेशन होता है लीव से या स्टोमेटा से हम बोलेंगे। अगला आइए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ताकि हम ये देख पाए कि क्या ये बात सच है या नहीं। इस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए होगा एक प्लांट जिसके पास होंगे दो ब्रांचेस। एक ब्रांच में हम लीव्स रखेंगे और दूसरे ब्रांच से हम लीव्स हटा देंगे। तो ये हमारी वो ब्रांच होगी जिसमें हम देखेंगे हमारे पास लीव्स हैं और दूसरी ब्रांच से हम लीव्स हटा चुके हैं। ठीक है, इसे हम नाम दे सकते हैं ए ब्रांच और इसे हम नाम दे सकते हैं बी ब्रांच। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हम इन दोनों ब्रांचेस को
आप कवर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अ पॉलिथीन बैग. कुछ टाइम के बाद, बेसिकली कुछ दिनों के बाद, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा पहले वाला ब्रांच है, हमारा ब्रांच ए जो है, इसके अंदर ये पॉलिथीन बैग पे आपको कुछ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर नजर आएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं नजर आएगा हमारे बी ब्रांच पे. अब ऐसा क्यों है? वेल, ये सेम रीजन है, ट्रांसपिरेशन. तो आप ये कभी भी अपने घर पर भी परफॉर्म करके देख सकते हैं कि क्योंकि ये लीव्स जो हैं, ये परफॉर्म कर रही थी ट्रांसपिरेशन, तो इनसे वाटर निकला इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. अब ये वाटर वेपर कॉन्डेंस होके बेसिकली जमा हो जाता है हमारे पॉलीथीन बैग के सरफेस पे, और तभी हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाते हैं कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स. तो ये था एक डिस्क्रिप्शन अबाउट ट्रांसपिरेशन, जिसमें आपने देखा कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, और हम कैसे देख सकते हैं कि लीव्स की मदद से ट्रांसपिरेशन प्लांट में होता है.